आज मेरी बारी है बताने की कि मैंने छुट्टी के दिन क्या किया। कराची में मेरी सुबह बहुत स्लो होती है। अखबार में बम धमाके की खबर लेती हूँ, फैसल से पूछती हूँ कि वो कराची कब आएगा, शक्ल को ठीक ठाक करती हूँ, सोचती हूँ कभी पैसे हुए तो दान सीधे कराऊंगी, फिर मेरी कंजम्पशन शुरू होती है। बाहर की तरह यहाँ भी मैं टोस्ट और चाय पीती हूँ सुबह को। फिर नज़ारे शुरू। ये है अनार, ये है लड्डू, ये है बेला, ये हमारा आसमान, ये हमारी दीवार, फिर काम शुरू। मामा को याद करती हूँ सुबह सुबह, फिर थोड़ा आरजी ग्रुप का काम। कराची में काम बहुत आहिस्ता होता है। फिर कराची की सैरें शुरू। आज मेरी बारी बनाने की कि मैंने छुट्टी के दिन क्या किया। बता रही हूँ, अब हम जा रहे हैं रात की डिनर पार्टी के लिए सामान लेने। अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग जाएंगे पहले बैंक, वहाँ से निकालेंगे थोड़े से पैसे, फिर ख़रीदेंगे दरी और गांव तक किए। गांव तक की और लेंगे? दो और लूंगी मैं। क्लिफ्टन की सड़कें। गाड़ी चलाते चलाते इब्राहिम हैदरी की याद आती है, वो दिन जब हम सारे बच्चों के साथ पिकअप ट्रक में बैठ के चश्मा गोट की तरफ गए थे, कितना मज़ा आया था। हाँ, फिर नूर अमीन ने वो जो गाना गाया था बरनी में, वो याद आता है। वो मेरे ख्याल से मामा भी गाती थी। आंखें बंद। जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रसम की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।